हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जिसके साथ साथ हम आपको आंसर ही बताएंगे। तो दोस्तों, अब हम ट्रिपल सी की भी वीडियो बनाना शुरू करेंगे। हमने ट्रिपल सी की वीडियो पहले भी बहुत सारी बनाई हुई है, आप यहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ट्रिपल सी की तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम क्वेश्चन की जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होते हैं ट्रिपल सी के, उनके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना एजुकेशन पर नए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोजाना एक नई वीडियो मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के जो क्वेश्चन है उनके हम आंसर भी आपको साथ साथ बताएंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको हर एग्ज़ाम में जरूर मिलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, कौन सी भाषा बिना अनुवाद कार्यक्रम के कंप्यूटर द्वारा सीधी समझी जाती है? तो उसके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और हम आपको साथ के साथ इसका आंसर ही बताएंगे। जो पहला आंसर है, जो पहले का है, वो डी है, यानी कि मशीनी भाषा होती है जो कि बिना अनुवाद द्वारा आप समझा सकते हैं कंप्यूटर द्वारा। इसके अलावा तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की गति में पाया गया था, इसमें से आप सेकंड वाले में से देख सकते हैं, सेकंड वाले का सी है, यानी कि नैनो सेकेंड, जो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की गति में पाया जाता है। अंकगणितीय तर्क इकाई और नियंत्रण अनुभागों का विशेष प्रयोजन स्थान कहा जाता है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं तीसरे का ए, यानी पहला है रजिस्टर। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में लेकर आए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस तरह अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक जॉयस्टिक मुख्य रूप से के लिए उपयोग किया जाता है। एक जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से, यहाँ से फोर वाला आप देख सकते हैं, तो फोर वाले का जो है यानी कि बी है, तो आप कंप्यूटर गेमिंग के लिए किया जाता है जॉयस्टिक का इस्तेमाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके क्वेश्चन में। यूएसबी का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं यूएसबी का तात्पर्य आप फाइव वे का सी, यानी कि एक प्रोसेसर होता है, एक बंदरगाह प्रकार है। इस तरह सबसे छोटी मेमोरी मापन इकाई है, सबसे छोटी मापन इकाई क्या हो सकती है? आप यहाँ से देख सकते हैं सी का ए, यानी कि एक सा। अनुवादक विधानसभा भाषा में इस्तेमाल कार्यक्रम कहा जाता है, सेवन का सी, यानी कि असेंबलर। तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया, यहाँ से आप देख सकते हैं आठवें का बी, एकीकृत सर्किट। नाइनवे का MICR, सी का अर्थ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाइनवे का है यहाँ पे डी, यानी कि चरित्र। लैपटॉप है दसवां क्वेश्चन बी, यानी कि पोर्टेबल, हल्के वजन और ब्रीफकेस में फिट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एक कंप्यूटर प्रणाली के बुनियादी कार्यों इनपुट स्वीकार करने के लिए इनपुट आउटपुट की प्रक्रिया और कर रहे हैं करने के लिए, आप 11 का देख सकते हैं, 11 का सी, यानी डेटा स्टोर करें। किस प्रकार का प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 का आप देख सकते हैं ए, यानी डेजी व्हील प्रिंटर। जैकार्ड लूम से आप क्या समझते हैं? 13वें का आप देख सकते हैं बी, यानी कि एक बुनाई मशीन छिद्रित कार्ड का इस्तेमाल करती है। प्रोग्राम को स्टोर करने वाला पहला कंप्यूटर, यानी कि 14वें का आप देखेंगे ए, यानी कि EDSC है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी 1964 से 71 की अवधि तक अच्छेदित है? तो आप 15 का देखेंगे सी, यानी कि तीसरी पीढ़ी होती है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो 16 का आप देखेंगे यहाँ पे डी, यानी कि फ्लोटर। कंप्यूटर की उपस्थिति लगभग में देखा जा सकता है, 17 का यहाँ पे आप देखेंगे सी, मौसम पूर्वानुमान। CPU के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सी, LAU और CU दोनों। VGA है, आप यहाँ पे 19 का देखेंगे ए, तो वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आ सकता है ये।
20वां सेकेंडरी स्टोर डिवाइस कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आमतौर पे पूछा जाता है। तो 20 का ए सीडी रोम। आउटपुट डिवाइस का क्या कार्य है, ये भी आमतौर पे क्वेश्चन में पूछा जाता है। 21 का सी, यानी कि डेटा स्टोर करने के, सॉरी उपयोगकर्ता को आउटपुट देने के लिए। इस तरह 22, कौन निम्नलिखित में से है सीपीयू का हिस्सा नहीं, कौन निम्नलिखित में से सीपीयू का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा होगा। तो ये क्वेश्चन भी आएगा आपका 100%, ये आता है ये क्वेश्चन भी। तो 22 का आप डी डिस्क ड्राइव, ये सीपीयू का हिस्सा नहीं है। 23, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो 23वें का आप यहाँ पे देखेंगे डी एमएस ऑफिस, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं होता। 24 का इनपुट आउटपुट डिवाइस और एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया को मिलाकर का नाम दिया गया है, तो 24 का ए हार्डवेयर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, ताकि हम आपको लेटेस्ट वीडियो रोज़ लाते रहें। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।